मैं राहुल भोज आप लोगों को बताना चाहता हूँ सूर्यवंशी से जुड़ी हुई एक बहुत ही दिलचस्प बात जो कि सोशल मीडिया पे छाई हुई है। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। दोस्तों, सूर्यवंशी वो फिल्म है जो कि इस लॉकडाउन से पहले रिलीज होने वाली थी, यानी कि 24 मार्च को। बट अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है दोस्तों, किस तरीके से संक्रमण आता है, किस तरीके से देश में लॉकडाउन होता है और ये लॉकडाउन बढ़ता जाता है। अभी भी इनफैक्ट अगर बात की जाए दोस्तों, तो सिनेमाघर जो है सेफ नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए आप देखिए, हॉटस्टार ने बैक टू बैक जो है अपनी 7 मूवी का प्लान बना दिया है जो कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का है। अब सिनेमाघर जब खुलेंगे तब सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं तो कौन सी फिल्म आएगी, वो आएगी सूर्यवंशी, यानी कि खिलाड़ी कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह की फिल्म। यस, कैटरीना कैफ भी इसमें फीमेल लीड है। बात की जाए दोस्तों, तो इस फिल्म से जुड़ी हुए सोर्सेस की तरफ से बहुत सी बातें रिवील हो रही थी कि ये फिल्म जो है वो हो सकता है कि दिवाली से पहले आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन फाइनली पीवीआर सिनेमाज ने दोस्तों इस बात का खुलासा किया है कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं दिवाली रिलीज को लेकर। अब दोस्तों, इस फिल्म को रिलायंस एंटरटेनमेंट के साथ साथ धर्मा प्रोडक्शन और प्लस रोहित शेट्टी, इन तीनों ने मिलकर ना प्रोड्यूस किया है। खबरें बहुत ज्यादा थी कि सुशांत भाई के जाने के बाद जिस तरीके से नेपोटिज्म का मुद्दा उठा है, जिस तरीके से करण जौहर को इतना ज्यादा बैकलैश मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं फिल्म के लिए अच्छा नहीं है और इसकी वजह से करण जौहर का नाम जो है ड्रॉप कर दिया गया है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, ट्रेड एक्सपर्ट फिल्म एनालिस्ट यानी कि मिस्टर तरण आदर्श से जब इस बारे में बातचीत हुई तब वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, करण जौहर जो है फिल्म के अंदर ऑलरेडी बने हुए हैं। दोस्तों, ये जो फिल्म है ये सभी लोग जो है मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि ये पूरी फ्रेंचाइज है। अगर आपने देखा होगा तो सिम्बा को भी जो है धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया था। तो बेसिकली अगर देखा जाए, सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी ये अब धर्मा प्रोडक्शन के अंडर भी आ गए हैं और ये को प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर बनकर सामने आए हैं जौहर साहब। सो गाइज, आप लोगों का क्या रिएक्शन है इस बात को लेकर, कमेंट सेक्शन मुझे इस बारे में जरूर बताएं। कितने एक्साइटेड हैं आप सूर्यवंशी के लिए, ये भी मुझे जरूर बताएं। और बने रहिए चैनल के साथ, मैं चलता हूँ। नमस्ते दोस्तों, पास्ट में आपने बॉलीवुड स्पाई को ढेर सारा प्यार दिया, सम्मान दिया, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा धन्यवादी हूँ। अब वक्त आया है एक नए चैनल को प्यार और सम्मान देने का, यानी कि फूड स्पाई को, जहां पर आपको अलग अलग अनोखी रेसिपीज तो मिलेंगी, साथ ही साथ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज क्या खाते हैं, उनके डाइट प्लान्स क्या हैं और तरह तरह की अलग अलग जानकारी मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है फूड स्पाई का, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए। चलता हूँ।